इंदौर स्थित देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर वंदे मातरम मिशन के तहत 125 छात्रों को किर्गिस्तान से विशेष विमान के द्वारा इंदौर लाया गया। सभी मेडिकल के छात्र हैं, लंबे समय से वहां पढ़ाई के लिए गए हुए थे। सभी छात्रों के परिजन लंबे समय से प्रयासरत थे। इसके चलते सभी छात्र और पालकगण सांसद और भारत सरकार के संपर्क में थे। इस बीच एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। इन सबके बीच इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी जायजा लेने पहुंचे। छात्रों के परिजनों से मिले शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी भारतीय लोग वे अपने घर लौट रहे हैं, आगे भी इस मिशन के तहत कई लोगों को लाया जाएगा। क्वारंटाइन को लेकर कहा गया कि सभी छात्र राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी अपने अपने जिलों में ही 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहेंगे। इसके चलते हमारे संवाददाता से बात करते हुए छात्र निश्य राठौड़ और उनकी परिजन सुनील पुरोहित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते खान पान और सुविधाओं की कमी होने लगी थी। जिला प्रशासन और सांसद से लगातार प्रयासों के द्वारा आज बच्चों की घर वापसी हो को लेकर परिवार में हर्ष व्याप्त है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। और बहुत लंबे समय से वो वहाँ फंसे हुए थे, खास करके उनके जो परिवार के लोग वो चिंतित थे, बच्चे वहाँ चिंतित थे, तो उन्होंने निवेदन किया था कि हमारे बच्चों को जल्दी लाया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, जिन्होंने इसमें मदद करी और आज बच्चे यहाँ आ गए। बच्चों के चेहरों पे, मैं बच्चों से मिला तो बच्चों के चेहरों पे खुशी थी। वो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के बच्चे हैं। 2-2 महीने से परीक्षा होने के बाद भी लॉकडाउन में वहाँ फंसे रहे और बहुत उनका तो कुछ कहना था कि हमको बराबर खाना भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ का भोजन अलग है, तो बहुत परेशान थे। कुछ यहाँ पर एक दो परिवार में ऐसा भी हुआ कोई बीमार है। एक भोपाल की बच्ची से मिला, उनके पिताजी का निधन पिछले दिनों हुआ, तो बहुत चिंतित थे। तो वास्तव में जब दूर रहते हैं परिवार से तो बच्चों को चिंता होती है, परिवार वालों को चिंता होती है। अब उनके चेहरों पे खुशी है। और पर ये बता दूँगी अभी और बच्चे वहाँ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में एक फ्लाइट और आएगी और जो जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। भैया कहाँ कहाँ के बच्चे हैं इसमें? ये जो इंदौर, धार, खंडवा, भोपाल आसपास के, कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ के भी ऐसे आगे भी फ्लाइटें आएगी आएगी चल रही है, बातचीत चल रही है और बच्चे और भी आने वाले हैं। सर बच्चों के परिजनों में एक प्रश्न सवाल उठ रहा है क्वारंटाइन को लेकर। क्वारंटाइन की बता, देखिए 7 दिन का उनको क्वारंटाइन रखना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, और 7 दिन के बाद वो अपने घर में रख सकते हैं। और उसके बाद ये लोकल एडमिशन कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है तो स्थानीय जिला प्रशासन से बात कर सकते हैं। भैया एक इंदौर में रेलवे कब से स्टार्ट होना सकता है, ट्रेनें कब से संचालित हो सकती है? हमने आसपास के परिजनों में भी काफी दिक्कत हो रही है घर जाने में, तो कब तक ट्रेनें? रेल विभाग से बात हुई है मेरी, हमने उनसे 60 ट्रेनें मांगी है इंदौर के, और ये 60 ट्रेनें शहर देश के अलग अलग कोनों की है। हमने इसलिए दूर की ट्रेनें ली कि रास्ते में सब वो स्टेशन आ जाती है जहाँ जहाँ जाने लोग हैं। हमने साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए, ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, इसलिए दूर दराज के लिए, पटना तक के लिए, नीचे केरल तक के लिए, और बंगाल की भी के लिए संभावना जो नया रूट बन, नया जो चार्ट आ रहा है उसमें आने वाली है। सर क्या नाम है आपका? जीवन सिंह रोडिया, नागदा से, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। मैं, मेरे बेटा जो बिश्केक में MBBS की पढ़ाई के लिए गया था। कहाँ पे? बिश्केक, रसिया। कितने समय से वहाँ पर है? अभी 1 साल भर से बेटे वहीं है हमारे। तो आप भी इंदौर आ रहे हैं? वो बेटा आ रहा है तो उनको लेने आ रहा हूँ। तो बेटा कितने समय से वहाँ पे फंसा हुआ था? अभी जब से लॉकडाउन लगा है, जब से बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, ऐसे में हमारे भाई साहब जो ललवानी जी है, इंदौर से MP है, उज्जैन से सांसद अनिल जी फिरोजिया जी हैं, हमारे नंद कुमार सिंह जी चौहान है, ऐसे हमने अनिल जी फिरोजिया से रात दिन बात करके हमने जब उनके सामने ये समस्या बताई तो भाई साहब अनिल जी फिरोजिया ने आगे बात करके कंटिन्यू 1.5 महीने से प्रयासरत थे। आज सभी पेरेंट्स यहाँ करीब 140 पेरेंट्स खड़े हैं, सबके चेहरे बहुत खुशी है। ऐसे ही मेरे भाई अनिल जी फिरोजिया, जो बचपन से हम उज्जैन सेठी नगर में साथ में पढ़े हैं, उनने बहुत मेहनत करी है बच्चों को लाने के लिए। धन्यवाद अनिल जी। क्या नाम है आपका? जीवन सिंह डोडिया, और बेटे का नाम है ऋतुराज सिंह डोडिया। सब पहले हमारे प्रेस के जो प्रभारी हैं, जो आज यहाँ बच्चों की चिंता पालते हुए यहाँ पर आए हैं, इसलिए धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जी निश्चय राठौर। तो कितने समय से वहाँ पे फंसे हुए? अभी क्या बोलते, जब से कोरोना पेंडेमिक यहाँ पे बीमारी आई है तब से ही प्रोसेस जारी थी घर आने की। तो
क्या कोशिश आप वहाँ पर भी कर रहे थे प्रशासन की, और क्या कोशिश आपके घर वाले भी कर रहे थे? सबसे पहले हमने हमारे सांसद जी नंद कुमार जी चौहान और दीपक जोशी जी से कॉन्टैक्ट किया और उनसे अनुरोध किया कि आप इवैक्यूएशन फ्लाइट्स के बारे में हमारी एम्बेसी से बात कीजिए। तो उन्होंने एम्बेसी से बात की और आज हम सफल हुआ घर आने में। तो वहाँ पे आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या प्रकार की सहायता करवाई जा रही है वहाँ पर, अगर आप बता सकते? वहाँ पर हमें ईमेल्स दिए जा रहे हैं, पूरी लिस्ट बाकायदा बनी हमारे सभी बच्चों की प्रॉपर, सभी को ईमेल्स आए हैं और सारे टिकट्स उसी पर, सब कुछ वंदे भारत मिशन के तहत सारी चीज़ें हुई है। वहाँ पर किस प्रकार का रहन-सहन चल रहा है और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आई होगी? खास कोई समस्या नहीं थी, बस यही है कि फ्लाइट की कमी थी जो हमारे अनुरोध से और हमारे सभी प्रयासों से आज पूरी हुई। आगे की जो मेडिकल पढ़ाई उसके लिए वापस भी जाना हो सकता है या फिर आपका जो है बाकी का नेक्स्ट ईयर ही होगा? अभी जाना हो सकता है, अभी वो केस पर भी निर्भर करता है कितने केस होते हैं आगे। क्या नाम है आपका? जी निश्चय राठौर। कहाँ से रहने वाले हैं? देवास जिले के चापड़ा गाँव से। सर आज आपके परिवार के सदस्य जो आपके बेटे हैं आज वापस अपने घर की ओर लौटे हैं, काफ़ी समय से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तो उसमें किस प्रकार की आपको खुशी हो रही है और कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है आज हमारे लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि सारे जो है पूरे देश भर के बच्चे आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के बच्चे जो कहीं ना कहीं छूट गए थे, और हमने सांसद नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब और पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी आप सभी से आग्रह किया, उनके आग्रह के बाद ये बच्चे आज जो है इंदौर और इंदौर से हमारे घर चापड़ा जा रहे हैं। उन सभी का, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भारत सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयासों से हमारे परिवार के बच्चे जो है आज यहाँ आए हैं। सर होम क्वारंटाइन की बात की जा रही है जी, आप किस तरीके से एहतियात बरतेंगे आपके बच्चे को लेकर? जी होम क्वारंटाइन और जाँच जो होती है कोरोना की, वो जाँच के लिए हम इनका वो भेजेंगे और परीक्षण कराएंगे और पूरी तरह जो सावधानी बरतना चाहिए कोरोना की वो हम बरतेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील पुरोहित, सांसद प्रतिनिधि नंद कुमार सिंह जी चौहान, खंडवा लोकसभा और चापड़ा के रहने वाले जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।